हाँ, बेटा ऐसा है, देखो मैं आपको बता चुका हूँ बार बार कि देखो हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं, मेरी बात समझ रहे हो। और रीजंस का कोई इनका औचित्य तो नहीं है कि आप हर चीज में या मैं यहाँ के बखान करूँ रोज रोज, और ना मेरे पास इतना दिमाग है कि मैं इन चीजों में लगा पाऊँ। तो मैं आपसे बात बता चुका हूँ कि भाई RWA, मैंने ऑफिशियल जो जो पॉलिसी होती है किसी संस्था को छोड़ने की, उस तरीके से मैंने छोड़ दिया है। बात समझ में आ रही है? अभी जो मेरी क्लासेस वहां बीच में चल रही हैं, वो मैं वहां कंप्लीट ही कराऊंगा। मेरी बात समझ रहे हो? अब दोबारा इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस मत पूछो मेरे दोस्त, मैं आपसे बता चुका हूं, ठीक है? अब कैसे 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 क्या करूं मैं आपको, लिख के दे दूं या माथे पे लिखवा दूं? बेटा मैंने आपको बता दिया है कि भाई देखो जीवन में अलग अलग तरीके के परिवर्तन होते हैं। जीवन में आप पूरे जीवन क्या एक जगह कहीं काम नहीं कर सकते हो, कई बार परिस्थितियां स्थितियां बदलती हैं। जीवन में बेटा हर तरीके के परिवर्तन आते हैं, मेरी बात आप समझिएगा। इसलिए आप बार बार ये बात कहकर यानी कि आप परेशान मत किया करो चीजों को, ठीक है ना? तो आपका काम पढ़ने का है, मेरा काम पढ़ाने का है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप पढ़ने पर ध्यान दो। बस मैंने आपको बता दिया है यहाँ ऐसा है, और ऐसा नहीं है कि मेरा वहां से कोई युद्ध हो गया है या कोई और बात है, मतलब बहुत प्रेम पूर्वक ये सारी चीजें हुई हैं। तो आप उस चीज से बिल्कुल भी परेशान मत हो और चीजों को पढ़िएगा, ठीक है ना भाई? बात क्लियर है यहां तक? चलो बहुत बढ़िया। तो विनिर्माण